नागपुर शहर से होकर बहने वाली तीनों नदियों नाग नदी, पीली नदी और पोहरा नदी की सफाई का काम जारी है। नगर निगम आयुक्त एवं प्रशासन ने इस सफाई अभियान के तहत नदी के प्रवाह में आने वाली बाधाओं को दूर कर प्रवाह को सुचारू करने का निर्देश दिया। यह निर्देश अभिजीत चौधरी द्वारा दिया गया। उन्होंने ये भी बताया कि बाढ़ के कारण ध्वस्त हुए नदी के सुरक्षा बाढ़ के निर्माण की प्रक्रिया विभिन्न स्रोतों से धनराशि प्राप्त कर शुरू की जाएगी। नगर निगम आयुक्त एवं प्रशासक डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने सफाई कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने नाग नदी के अंबाजरी दहन घाट, अशोक चौक और पार्टी चौक पर जहाजों की सफाई कार्य का निरीक्षण किया। इस समय अधीक्षण अभियंता मनोज तालिवार, धर्मपेट जोन के कार्यकारी अभियंता विजय गुरुबख्शारी, कार्यपालन अभियंता गांधीपाल जोन सचिन रक्षमवार, लकड़गंज जोन कार्यपालन अभियंता संजय माटी, उपयंत्री देवेंद्र भोवाटे, कनिष्ठ अभियंता मनोहर राठौड़, मिलिंद गवार के संतोष मिगिलवार, मुख्य स्वच्छता अधिकारी सुरेश खरे, प्रमोद आत्राम सहित अन्य मौजूद रहे। नागपुर शहर में नदियों की पूरी तरह से सफाई सुनिश्चित करने के लिए नगर पालिका द्वारा नदी सफाई अभियान शुरू किया गया था। नदी की सफाई के लिए 6 टीमों का गठन किया गया है और प्रत्येक टीम में एक मशीन शामिल है। नगर पालिकाओं के साथ साथ लीज पोकलिन टीपर से भी नदियों की सफाई की जा रही है। नदियों की अधिकतम जल वहन क्षमता बढ़ाने के लिए नदियों से गाद निकाली जा रही है ताकि अधिक वर्षों की स्थिति में भी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न न हो। इन सभी कार्यों की निगरानी के लिए संबंधित जोन के जूनियर इंजीनियरों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। नगर निगम आयुक्त एवं प्रशासक का मानना है कि मई माह तक तीनों नदियां नाग नदी, पीली नदी और पोहरा नदी पूरी तरह साफ हो जाएगी। अभिजीत चौधरी ने यह व्यक्त किया। सितंबर महीने में नागपुर शहर में बाढ़ की स्थिति के कारण कई इलाकों में नदियों की सुरक्षा दीवारें ढह गई। बरसात के दौरान नदी का पानी सड़कों और घरों में घुसने से रोकने के लिए इन सुरक्षा अवरोधों का निर्माण भी तेज कर दिया गया है। इसके लिए जिला योजना समिति एवं नगर निगम निधि से सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य कराया जाएगा। इसके अलावा इस संबंध में महाराष्ट्र राज्य सरकार को भी एक प्रस्ताव भेजा गया है और उक्त प्रस्ताव मंजूरी के अंतिम चरण में है। फ्लड्स मध्ये जे आपल्याकडे मागच्या वर्षी फ्लड झाले होते, काही ज्या आपल्या प्रोटेक्टिव्ह वॉल्स आहेत नदी लगतच्या त्या डॅमेज झाल्या होत्या, तर डीटीसी मधील किंवा एनएमसी फंड मधून सुद्धा आपण काही ठिकाणी असे जे प्रोटेक्टिव्ह वॉल्स जे काम आहेत ते हाती घेतलेले आहेत। त्याचबरोबर शासनाकडे सुद्धा आपण जो एक प्रस्ताव पाठवला होता तो सुद्धा आता मान्यतेच्या अंतिम टप्प्यामध्ये आहे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।